कोरोना आपदा नियंत्रण में कार्य कर रहे प्रदेश भर के चिकित्सक आज काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। दरअसल ये विरोध अजमेर में डॉक्टर और एसडीएम के बीच हुए विवाद को लेकर किया जा रहा है। ऐसे में ये चिकित्सक पूरे मामले को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने ये विरोध इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के आह्वान पर किया है, जिसमें डॉक्टर प्रशासन के रवैये के खिलाफ काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 8 मई 2020 वार शुक्रवार को एसडीएम अजमेर आर्तिका शुक्ला द्वारा हमारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी महिला चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना रंगा जी के हाथ मरोड़ने एवं उन पर अभद्र व्यवहार एवं अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में प्रदेश के समस्त चिकित्सा संगठनों ने आज समस्त चिकित्सकों से आह्वान किया गया है कि आज के दिन को ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाए, जिसके तहत समस्त चिकित्सक पीड़ित मानवता की सेवा इस महामारी कोविड-19 में जारी रखेंगे, वो मरीज देखना जारी रखेंगे, लेकिन आज वह विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मरीज देख